हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रौनक, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कैरी मिनाटी के नए गाने पर, जिसका नाम है यालगार। और इसे खुद जो गाया है और लिरिक्स जिसने दिया है वो खुद अजय नागार है, मतलब कैरी मिनाटी खुद। और कंपोज किया है और प्रोड्यूस किया है विली फेंसी ने। सो लेट्स रिएक्ट टू दिस। ये ट्रेंडिंग पर है और सभी लोग चाहते थे कि मैं इस पर रिएक्ट करूँ। आई नो आई एम अ लिटिल लेट, बट हियर इज माई रिएक्शन। Let's do this. In 3, 2, 1, and go. तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो के रखे पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। I like the background in red, you know? दिखने में मस्त लग रहा है। असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही। हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गलत भी सही, तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं। रीच रीच रीच, इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज। बीट बीट बीट, इनको करूंगा बीट, हीट हीट हीट, मेरा कंटेंट है हीट। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी। मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go. एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। Music is so awesome. Okay, that was lit. That was seriously lit. आप कुछ भी कहे, he is an artist and he's going out of his comfort zone and he's doing something which don't usually we see. And roasting का जो सिलसिला है वो कैरी ने खुद शुरू किया है, उनकी तरह रोस्ट कोई और नहीं कर सकता। आई टोटली अग्री विद दैट। और जब तक गाली की बात है तो इट्स ओके, आई मीन जो लोग प्रेफर करते हैं गाली करो, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल फॉर दोज पीपल हु टोटली अग्री विद दैट। जिनको जो प्रॉब्लम था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम था, स्पेशली द पीपल द मेंबर्स ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी को, कि ये जो स्लर्स जो है बहन या फिर जो वर्ड्स वो यूज किए थे, यू नो, तो दे गॉट ऑफेंडेड, क्योंकि यू नो इट्स लाइक बेटी बचाओ एंड ऑल। सो इट वॉज लाइक काइंड ऑफ ऑफेंडिंग फॉर द यू नो
फीमेल जेंडर लड़कियों के लिए या फिर यू नो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, तो ये थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है लोगों को समझ। अब सेंटिमेंट्स है, पीपल्स के ओपिनियंस है, लोगों के ओपिनियन है, दैट मैटर्स, ओके, दैट ऑल्सो मैटर्स, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम किस तरह से इसको लेना चाहते हो। सो ऑफकोर्स यूट्यूब ने सोचा ये ठीक नहीं है एंड देन ही डिलीटेड इट, बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि उन्होंने जो जिसके ऊपर रोस्ट किया, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आमिर सिद्दीकी वॉज लाइक सेइंग बुलशिट, लाइक ही हैड नो बेसिस और वो बस बके जा रहा था। उसके बाद मैंने आमिर सिद्दीकी के इतने सारे वीडियोज देखे हैं जहाँ पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, यू नो काठमांडू का कैपिटल एंड ऑल, ओ माय गॉड, ही डजंट इवन नो व्हाट काठमांडू, व्हेयर काठमांडू इज, ही थिंक्स ही सो स्मार्ट, ही थिंक्स दैट अंग्रेजी में 24 अल्फाबेट्स होते हैं। तो उस जैसे इंसान के बारे में क्या बोलूंगा यार, उसको रोस्ट ना करे तो क्या करेंगे उसको, है ना। तो ही ब्रॉट इट अपॉन हिमसेल्फ, but at the same time I also understand the mentality of those people who got offended by the slurs that Carrie Minati used, but it depends on people, okay, I will not stand by all the people, but I will say ki yes, that video was enjoyable, I enjoyed it, but maybe somewhere somebody got offended, but yes, it's also true, jaisa Carrie bhai ne kaha ki you know YouTube wali zindagi, to YouTube ne unki kamai khai hai aadhe se aadha, and कैरी के वजह से भी बहुत यूट्यूब इतना फेमस भी है, ही इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट यूट्यूब इज दैट फेमस इन इंडिया, यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडियंस दैट वी हैव इन इंडिया कम्स फ्रॉम आशीष चंचलानी, बीबी की वाइंस एंड कैरी मिनाटी हिमसेल्फ, सो यू कैन नॉट ब्लेम दैट, हिज करियर इज गोइंग लाइक अ रॉकेट, सो यू कैन नॉट डिनाई दैट, वेरी पावरफुल सॉन्ग, वेरी टैलेंटेड, ही इज सो टैलेंटेड, ही इज सो यंग, पहली बात तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बंदा कितना यंग है, इतनी कम उम्र में ऐसा एटीट्यूड, ऐसी स्मार्टनेस, जिस तरह का करियर उन्होंने बनाया है अपने लिए, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू भाई। और आई डोंट नो, आई एम जस्ट अनदर यूट्यूबर एंड टिकटॉकर हु विल अगेन से दैट ही इज अमेजिंग, वी शुड अप्रिशिएट द टैलेंट ही हैज, दिस रैप वाज फायर, this the way he used the words, everything was just on point, and I can watch this again and again. I love the way this whole video was shot, red and blue contrasting colors, but bahut hi strong colors hai, and it shows, it brings out the intensity, you know, unki awaaz mein, and he has a great voice, I love that, I really love that. Overall total thumbs up on this video. अगर आप लोगों ने enjoy किया हो तो जल्द से like कीजिए, नीचे comment डालना मत भूलिएगा, बताएगा कैसा लगा आपको ये video, कैसा लगा मेरा thoughts, आप agree करते हैं या ना करते हैं आपकी मर्जी, but totally up to you. Like कीजिए, subscribe कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, आप लोगों में दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए ciao.